देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि फ्री होंगे और आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। सो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो इन 10 वेबसाइट्स के नाम याद कर लेना। और एक बात, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है और सारे टूल्स को मैं खुद अपने वर्क फ्लो में यूज करता हूँ, तो सारे वेबसाइट्स एकदम जेन्युइन होंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे जिसे आपने शायद ही पहले देखा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने कभी ना कभी YouTube पर इस तरह के पोस्ट तो जरूर देखे होंगे। देखो, ये एक गिफ होता है, लेकिन अब बात आता है कि हम इस तरह के पोस्ट कैसे करें। सो इस तरह के पोस्ट के लिए आपको अपने MP4 वीडियो को GIF में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन याद रखना कि आपके GIF का साइज 16 MB से ज्यादा ना हो। सो GIF के लिए आप Adobe Express का यूज कर सकते हो, जिससे आप MP4 वीडियो को बेस्ट क्वालिटी GIF में कन्वर्ट कर सकते हो और YouTube कम्युनिटी पर पोस्ट कर सकते हो। सो हमारे सेकंड टूल का नाम है पिक्सल कट, और ये वेबसाइट आपके काफी काम आने वाला है। इसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव, इमेज अपस्केल और अनक्रॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसका आउटपुट बाकी फ्री वेबसाइट से काफी अच्छा है। और ये अनक्रॉप फीचर आपको काफी पसंद आएगा, इससे आप इमेज को एक्सपेंड कर सकते हो। चलो अब एक ऐसे वेबसाइट पर चलते हैं जो आपके काफी काम आएगी, और शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ द फॉन्ट के बारे में। इसमें आपको लाखों फॉन्ट्स मिल जाएंगे जिसे आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो और वीडियो को और भी एंगेजिंग बना सकते हो। तो हमारे फोर्थ फ्री वेबसाइट का नाम है MW Metadata। इस वेबसाइट से आप किसी भी YouTube वीडियो के डेटा को देख सकते हो, यानी वीडियो के टैग्स, कंट्री, टाइमिंग, चैनल कैटेगरी और भी कई इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। अब हम फिफ्थ फ्री वेबसाइट पर चलते हैं। अगर आप वीडियो बनाते हो और फिर उसे एडिट करते हो, तो आपको एसेट्स का जरूरत पड़ता होगा, यानी आपको हाई क्वालिटी इमेजेस, आइकॉन्स, इन सब का जरूरत तो पड़ता ही होगा। सो आप फ्लैट आइकॉन या फिर फ्री पिक का यूज कर सकते हो। इससे आप हाई क्वालिटी एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब एक ऐसे वेबसाइट पर चलते हैं जिसका यूज मैंने रिसेंटली किया था और अपने काफी टाइम को सेव किया था। देखो, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्रिएटर्स के AI वॉइस को रिवील किया था, और उस वीडियो के लिए मुझे उन क्रिएटर्स के नाम चाहिए थे जिनके AI वॉइस को जानने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और उन कमेंट्स का इमेज भी चाहिए था। तो मैंने अपने चैनल के लिंक को इस वेबसाइट पर पेस्ट कर दिया और क्रिएटर्स के नाम को लिख दिया, और मुझे सारे कमेंट्स एक ही जगह पर मिल गए। तो इस वेबसाइट का नाम है YouTube कमेंट फाइंडर। अब हम नेक्स्ट वेबसाइट पर चलते हैं। इस वेबसाइट को काफी लोग जानते होंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल AI स्टूडियो के बारे में, जिसमें आपको काफी टूल्स मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन मिल जाता है। हमारे लिस्ट के नेक्स्ट फ्री वेबसाइट का नाम है 11 लैब्स। देखो, आपने 11 लैब्स को सिर्फ वॉइस जनरेट करने के लिए यूज किया होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जिसे काफी कम लोग जानते हैं। देखो, 11 लैब्स में साउंड इफेक्ट्स जनरेट करने का ऑप्शन है और बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करने का भी ऑप्शन है, और खास बात यह है कि आप फ्री क्रेडिट से भी इसे यूज कर सकते हो। हमारे लिस्ट के 9th फ्री वेबसाइट का नाम है ग्रोक AI। आपने इस वेबसाइट के बारे में तो सुना ही होगा। देखो, ये ग्रोक AI शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट टू इमेज के साथ इमेज टू वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसे रेगुलर बेसिस में यूज कर सकते हो। सो हमारे लिस्ट के लास्ट फ्री वेबसाइट का नाम है टेक्सचर लैब। देखो, एडिटिंग के टाइम इस वेबसाइट का काफी काम आता है, क्योंकि इसमें आपको कई टेक्सचर्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ChatGPT और Pinterest जैसी कुछ और वेबसाइट्स भी हमारी लिस्ट में थे, लेकिन मैंने सोचा कि इन्हें तो आप पहले से ही इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा कुछ और भी साइट्स हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में Part 2 लिख देना। और एक बात, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।